हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सर्वेश राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक गार्डन में। मैंने 2 तारीख को जीनिया की सीडलिंग्स की थी, जिसका मैंने वीडियो अपलोड किया था, आपके साथ शेयर किया था। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे पूछा था कि इसकी सीडलिंग्स की जर्मिनेशन कितने दिन में स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल मेरी जो जर्मिनेशन स्टार्ट हुई थी वो मात्र 2 ही दिन में, मतलब कि 2 तारीख को मैंने वीडियो अपलोड किया था, 4 तारीख को ही जो है मेरी जर्मिनेशन, मुझको स्प्राउट्स उसमें दिखने लगे थे। लेकिन मैं उस टाइम वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि पूरी तरीके से जर्मिनेट नहीं हुआ था। मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, जिनके भी सवाल थे कि जर्मिनेशन स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, क्या तरीका सही था कि नहीं सही था, तो मैं उनको उनके साथ आज मैं अपना ये वीडियो शेयर कर दूँ। ये मेरा यूफोर्बिया मिली का प्लांट है। अगर आपने मेरा यूफोर्बिया मिली का वीडियो देखा हो तो आपको याद होगा कि उसमें मैंने कटिंग दिखाई थी आपको, जो कटिंग अब फ्लावरिंग पे आ गई है। काफ़ी छोटा प्लांट है, अभी इसमें मात्र 2 पत्तियाँ हैं और 2 पत्तियों में इसमें 2 फ्लावर भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। वेरीगेटेड कलर है इसका। फिलहाल मैं आपको अपनी सीडलिंग दिखाता हूँ। ये मेरा जीनिया लिलीपुट का की सीडलिंग है। मैं फोकस करता हूँ, मैं ये देखिए आप कितने अच्छे से इसमें स्प्राउट्स बाहर आ गए हैं। कुछ स्प्राउट्स अभी भी जमीन के अंदर है, आप देख सकते हैं ये जमीन उभरी हुई दिख रही है आपको। ये अभी इसके अंदर स्प्राउट्स हैं जो कि 1 या 2 दिन में जर्मिनेट होकर बाहर आ जाएंगे। मात्र 2 ही दिन में जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई थी, आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। काफ़ी हेल्दी प्लांट है, सीड्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। मैंने उस वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने वो कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया था, आप वहां से जाके सीड्स परचेज कर सकते हैं। जिस दिन मैंने इसका वीडियो अपलोड किया था उसी दिन मैं इसके साथ ही साथ कोचिया और सनफ्लावर की भी सीडलिंग की थी, लेकिन वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो, आप बोर ना हो, क्योंकि मेथड मैंने आपको उसी दिन बता ही दिया था कि मेथड लगभग सारी सीडलिंग में यही सेम होता है, हल्का से फुल्का से चेंज होता है। तो फिलहाल कोचिया और सनफ्लावर की भी मैंने सीडलिंग की थी और मेथड उसमें सेम था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं किया था। आपको दिखाता हूँ मैं, उसमें भी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है, काफ़ी पतले, ये मेरे कोचिया का की सीडलिंग है, इसमें जर्मिनेशन आप देख सकते हैं, स्प्राउट उसके देख सकते हैं, काफ़ी पतले से प्लांट होते हैं इसके। इस प्लांट में फूल तो नहीं होता लेकिन इतना खूबसूरत लगता है देखने में, ये हरे रंग का गर्मी के महीने में हरा रंग का एक गुलदस्ता लगता है देखने में, जो काफ़ी खूबसूरत लगता है, आँखों को सुकून देता है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसमें भी जर्मिनेशन स्टार्ट हुई, अभी इसमें भी कुछ स्प्राउट्स इसमें भी अभी जमीन के अंदर, आप ये देखिए रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये अभी जमीन के अंदर ही है, तो ये भी 1 या 2 दिन में बाहर आ जाएगा। काफ़ी अच्छे से इसकी भी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही साथ मैंने सनफ्लावर का की भी सीडलिंग की थी, इसमें भी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई। फिलहाल इसमें सबसे लेट जर्मिनेशन स्टार्ट हुई थी, ये लगभग परसों, मतलब कि 5 तारीख को इसमें दिखा था मुझे स्प्राउट्स में दिखने हल्के हल्के विजुअल होना शुरू हुए थे। फिलहाल मैंने इसमें काफ़ी सीड्स बोए थे, लगभग 10+ सीड्स थे इसमें, जो कि पूरे तरीके से जर्मिनेट नहीं हुए, लेकिन मेरे सीड्स ख़राब नहीं हुई है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ये ज़मीन के अंदर अभी भी इसके नीचे दबे हुए हैं। इसमें मैंने कोको पीट ऊपर यूज किया हुआ है, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, कभी सैंड यूज किया था मैंने आपको बताया भी था कि आप कोको पीट या पीट मॉस यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं उसमें पीट मॉस या कोको पीट नहीं यूज किया था अपने वीडियो में, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स के पास, काफ़ी व्यूअर्स के पास कोको पीट अवेलेबल नहीं होता है, पीट मॉस अवेलेबल नहीं होता है, तो वो गड़बड़ाएं ना, इसलिए मैंने उसमें कोको पीट आपको यूज करके नहीं दिखाया था। लेकिन जो रिजल्ट अच्छा आता है वो कोको पीट में आता है, क्योंकि कोको पीट काफ़ी लाइट वेट मीडिया होता है, मॉइस्चर को अपने अंदर होल्ड रखता है, प्रॉब्लम नहीं होती है स्प्राउट्स को बाहर निकलने में। कई बार क्या होता है, कमज़ोर सीड्स होते हैं वो इस मिट्टी की लेयर को तोड़ के बाहर नहीं निकल पाते हैं, लेकिन कोको पीट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वो मॉइस्चर अपने अंदर होल्ड रखता है, लेकिन प्लांट्स के स्प्राउट्स को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देने देता है। इसमें स्प्राउट्स काफ़ी अच्छे से आसानी के साथ बाहर आ जाते हैं, जबकि मिट्टी और रेत में क्या होता है कि कुछ स्प्राउट्स जो कमज़ोर होते हैं, जो सीड्स कमज़ोर होते हैं, उसके स्प्राउट्स बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए मैं कोकोपीट या पीट मॉस सजेस्ट करता हूँ। प्यार, अगर आपके पास पीट मॉस अवेलेबल नहीं है, कोकोपीट अवेलेबल नहीं है, तो आप पैनिक बिल्कुल मत होइए, आप सीडलिंग कीजिए अपनी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जर्मिनेशन इसमें हुई है, चाहे वो कोचिया हो चाहे फिर जीनिया लिलीपुट का मिक्स में जो सीड्स मैंने बोए थे, वो उसमें सब में जर्मिनेशन अच्छे से स्टार्ट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सीडलिंग्स की जर्मिनेशन कैसे की जाती है। और अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके मेरी इस वीडियो को देख लें। आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि आप इसकी सीडलिंग्स कैसी करनी है और कितनी जल्दी इसमें स्प्राउट्स बाहर निकल आएंगे अगर आप इसी मेथड से सीडलिंग करते हैं। तो बस इतना, आपका सीड्स जो है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का सीड नहीं होगा तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपको ऑनलाइन साइट्स काफ़ी साइट्स हैं, जैसे ईबे वगैरह पे आपको काफ़ी सीड्स ऐसे मिल जाते हैं। मैं ईबे का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं
वहाँ पे अच्छे सीट्स भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी जो लोग हैं वहाँ पे फर्जी सीट्स बेचते हैं, तो अगर आप वहाँ से फर्जी सीट्स लेते हैं तो शायद आपके स्प्राउट्स ना निकले तो आप परेशान हो जाएंगे। फिलहाल आप प्लांट्समैन या फिर जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर उसने उस वीडियो में दिया हुआ था वहाँ से जाकर ले लें, काफ़ी सस्ते रेट में आपको अच्छे सीट्स वहाँ से मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।